तो आज मैं आपको 2014 की एक प्रॉब्लम आ रही है, उसमें अटैच फ्लैश प्लेयर की वजह से ना तो SWF फाइलें नहीं ओपन हो रही। चलो आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह ओपन हो सकती हैं, इसकी क्या ट्रिक है। चलो 2014 को ओपन करते हैं। हमने ओपन कर लिया तो न्यू फाइल पे जाते हैं। न्यू फाइल पे जाने के बाद कंट्रोलर, जिस तरह हम अपनी पिक्सल का कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं, वो कर लिया। ऑटो लेआउट पर जाते हैं। ऑटो लेआउट पर एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक साइज सेलेक्ट कर लिया। साइज सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं हम किसी भी एक SWF फाइल को ओपन करते हैं। तो ये ओपन की, ये देख रहे हैं ये ओपन नहीं हो रही, इसका एक मसला जा रहा है, इसका अभी हल निकालते हैं आपके सामने। अब आप मैं किसी और फाइल को ओपन आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास SWF फाइल जो पड़ी है वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ। कोई भी फाइल नहीं प्ले हो सकती। ये देखिए ये मेरे पास पड़ी है फाइल, मैं एक और ओपन करने जा रहा हूँ तो ये देखिए ये नहीं हो रही है। तो इसका हल क्या आया, चलो इसका हल निकालते हैं। आपने इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने जाना है टाइम एंड डेट पर। आपने 2021 जनवरी 12 जनवरी से ये आपकी डेट है ना जो पीछे कर देनी है। आप 2020 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, जो भी आप वो कर सकते हैं, क्योंकि अडैप फ्लैश प्लेयर की जो कंपनी है ना, उन्होंने अपना प्रोडक्ट इस वजह से ये मसला आ रहा है। तो आप डेट सेट करें, डेट सेट करने के बाद उसे पीछे करें अपनी डेट को और दोबारा ओपन करें 2014 को। ये हमने 2014 ओपन कर लिया। अब जाते हैं न्यू फाइल पर, न्यू फाइल सेलेक्ट करते हैं। फाइल सेलेक्ट करने के बाद IC ऑटो लेआउट पर, ऑटो लेआउट पर अपना जो भी कनेक्शन है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ये हमारी एक नंबर और पिक्सल हमने सेलेक्ट कर ली, तो इसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखें, अब मैं आपको वही SWF फाइल चला के दिखाऊंगा। ये देखें ये प्ले हो रही है। तो अब किसी और फाइल को ओपन करते हैं, चलाते हैं। ये देखें ये चल रही है, ये थोड़ा थोड़ा। अब देखिए हम इसे थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये देख रहे हैं ये फाइल रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद किसी और फाइल को हम ओपन करते हैं। ये देखें ये मेरे पास कुछ फाइलें पड़ी हैं, मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ। वो पहले हमने फाइल चेक की थी, ये हमने फाइल ओपन किया है। ये देख रहे हैं ये फाइल ओपन किया, जो पहले फाइल नहीं ओपन हो रही थी वो अभी ओपन होने लगी है। ये देखें इसे भी हम थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि इसमें प्रोग्राम एक्सपोर्ट भी हो रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है आपको आने वाला है इंशाल्लाह। ये देखें आपको किसी और थोड़ी सी फाइल को चलाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें टूल फाइल भी चल रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये टूल फाइल चल रही है, इसे भी हम थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कोई और फाइल भी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। ये देखें ये भी फाइल चल चुकी है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। जस्ट आपने सिर्फ अपनी डेट पीछे करनी है। इससे क्या होगा, जो आपकी अडैप फ्लैश प्लेयर जो बंद किया है ना कंपनी ने, वो आपका उससे डेट पीछे हो जाएगी। ये हमने प्रोग्राम एक्सपोर्ट कर लिया। ये देखें ये ऊपर शो हो रहा है डेस्कटॉप पर, ये देखें प्रोग्राम वैलिडिटी के नाम की 00। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पर, अलग अलग ट्रिक बता रहे हैं, इस तरीके से आप आसानी से अपनी 2014 को रन करा सकते हैं और इसमें अच्छे अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को